सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर है। इस बीच अयोध्या में बनाई जाने वाली मस्जिद का काम भी शुरू होने वाला है। इसका रंग रूप पूरी तरह से बदल चुका है। इसकी प्लानिंग अंतिम चरण में है और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाना है। मस्जिद का नाम भी तय कर लिया गया है। इस मस्जिद की खूबसूरती विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को टक्कर देने योग्य होगी, ये कहना है मस्जिद विकास समिति के अध्यक्ष हाजी अराफात का। हाजी अराफात भाजपा नेता और महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्हें अयोध्या में बनने जा रही अभूतपूर्व मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद की विकास समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। मस्जिद के बारे में बताते हुए हाजी ने कहा कि हम बाबर को माने या ना माने, इसलिए इस मस्जिद का नाम हमारे नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम पर रखा गया है। हम धन जुटाने के लिए घर घर नहीं जाएंगे, एक वेबसाइट बनाई जाएगी और WR कोड की मदद से कोई भी इसमें दान कर सकता है। मस्जिद के बारे में उनका और क्या कहना है सुनिए। और जो कोई व्यक्ति ईट देगा अपने माँ के नाम पे, पिताजी के नाम पे, या अपने बुजुर्ग जो दुनिया से चले गए, तो उसका नाम नीचे लिखा जाएगा और उसके अंदर ये मस्जिद, ये सोयन सोये नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ये ईट हमने वफ कर दी। हम उसको उसकी ईट की फोटो देंगे, उसका सर्टिफिकेट देंगे और उसके ऊपर नंबरिंग डाले, और नंबर भी हमने इस तरीके से ईट पे भी नंबर दिया, एक पित्तल का हमने उसमें चिप डाल रहे जिसमें नंबरिंग होगा। अब हमारे आर्किटेक्ट ने हमने ये सोचा कि 200 साल 300 साल 400 साल के 500 साल के बाद अगर किसी वजह से दीवार में लीकेज आ गई या दीवार में कोई प्रॉब्लम आ गया या किसी वजह से दीवार तोड़नी पड़ी, तो उस जमाने के अंदर 200 साल 500 साल हाजी अराफात तो नहीं होगा, पर उसकी किताब बनाई जा रही, बुक्स पूरी बना जी, उसकी स्टोरी लिखी जा रही है। उस वक्त पे कोई ना कोई मेरे नस्ल में हाजी अराफात होगा, वो उसको देखेगा और वो ईंट को फिर वो दीवार को तोड़ी जाएगी और वापस वो ईंट नंबरिंग के हिसाब से फिर वो ईंट बनेगी और वहाँ लगेगी, ताकि हमने लोगों से कमिटमेंट किया ता कयामत तक कि आपकी ईंट लगेगी तो लगेगी। तो ये हमने सवाल का जवाब कर दिया कि जो हम जो लोगों से कमिटमेंट कर रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं, इस तरीके से हम लोग उसको करेंगे। फरवरी के एंडिंग में हमारा मस्जिद ट्रस्ट के हम लोग सब लोग बैठ के बात करेंगे कि मुंबई से के हमारे पीर सरकार पीर आदिल बीजापुरी, उनके बेटे बीजापुर से निकलेंगे, ये ईट अजमेर शरीफ जाएगी, अजमेर से मुंबई से हम लोग एक साथ सारे पीरों के साथ 1000 से ज़्यादा पीर और उलमा यहाँ से निकलेंगे और अयोध्या में पहुँच कर इंशाल्लाह ताला वो ईट पेश करेंगे। फरवरी या रमज़ान बाद आगे पीछे हो सकता है, तो वो उस दौरान ही हम करेंगे और काम शुरू किया जाएगा। जब मस्जिद पूरी कंप्लीट हो जाएगी